हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गल्फ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे स्टेयर वायरिंग कैसे होती है, यानी कि तीन स्विच से एक बल्ब कैसे जलेगा। तो बिना देरी करे दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बराबर बेल आइकन उसे प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको एक होल्डर लेना होगा। ये बैटन होल्डर ले लिया है हमने, ठीक। इसके बाद हमने तीन स्विच ले रखे हैं टू वे, क्योंकि हमें एक बल्ब को तीन जगह से ऑपरेट करना होगा, ठीक। इसके बाद हमें जो चाहिए होगी वो चाहिए होगी मेन लीड, यानी कि इसको पावर देने के लिए, और कुछ वायर के टुकड़े चाहिए लूपिंग के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो वायरिंग स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैसे वायरिंग होगी आज। सबसे पहले एक रेड वायर ले लिया आपने, ठीक है फ्रेंड। वीडियो तेज़ कर दिया मैंने ताकि लंबी वीडियो ना हो जाए, ठीक। मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर कनेक्शन बताऊंगा इसके, बस वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक। वायर का टुकड़ा लेके देखिए, जो पहला स्विच है उसके सबसे ऊपर वाले टर्मिनल में लगाया, दूसरे वाले स्विच के तीसरे वाले में, और फिर जो तीसरे वाला स्विच है उसके पहले वाले में। इनको तीनों स्विच को आपस में लूप कर दिया है, ठीक है। अब हम ब्लैक वायर लेते हैं, ठीक फ्रेंड्स। ब्लैक वायर को भी ऐसे ही करेंगे, एक दूसरे के टर्मिनल आपस में लूप कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करा हमने, जो रेड वाला वायर लिया था, देखिए ये, और कनेक्ट कर दिया आपस में, ठीक। ब्लैक वाला वायर भी यही किया, कि पहले वाले स्विच के तीसरे वाले पॉइंट पे, और दूसरे वाले के पहले पे, और तीसरे वाले के तीसरे वाले पे। अब जो बचा है हमारे पास, तीनों स्विच के बीच वाले पॉइंट हमारे पास बचे हुए हैं अभी। अब हम क्या करेंगे, एक वाइट वायर लेते हैं हम, ठीक। दूसरे वाले स्विच के बीच वाले पॉइंट पे हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो तीसरे वाले स्विच का एक बीच वाला पॉइंट बचा है, उस पर इस वाइट वाले वायर को कनेक्ट करेंगे, और उसके साथ साथ मेन लीड का एक वायर, ठीक है ना, मेन लीड का एक वायर जो कि ये फेस है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे। इसको हमने अभी पावर नहीं दी है, सिर्फ वायरिंग कर रहे हैं हम, अभी पावर बाद में देंगे हम। ये देखिए, अब इससे क्या हुआ कि ये हमने इसमें फेस कनेक्ट कर दिया, तो इस वाइट वाले के वायर के सपोर्ट से दोनों स्विच में इसमें फेस चला जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब ये हमारा फेस लग गया। अब क्या बचा है हमारे पास, अब ये जो पहला वाला स्विच है इसका एक बीच वाला पॉइंट खाली है हमारे पास, ठीक। हमने एक रेड वायर लिया, यहाँ से इसको लूप करा, ठीक, कनेक्ट किया हमने इसको इस वाले वायर को, हमने कनेक्ट करके सीधे बल्ब में होल्डर में देंगे हम, ठीक। ये बैटन होल्डर में हम यहाँ से निकाल लेंगे, जहाँ से पेच कसते हैं। बस ये ध्यान रहे, किसी भी आप पॉइंट में लगा दें, ठीक है ना। इसमें वायर को इसलिए निकाला है यहाँ से क्योंकि ये रखने में आसानी हो जाए बस, बाकी जब आप दीवार पे लगाएंगे कुछ लगाएंगे तो वो आपको नहीं निकालना, वो अंदर से ही वायर आ रहे होते हैं, पाइप जो दिया होता है उससे, ठीक है। अब ये ब्लैक वाला वायर ले लिया हमने, ये न्यूट्रल, क्योंकि किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रल और फेस चाहिए होता है। अब ये हमने मेन लाइन का न्यूट्रल लगा दिया इसमें, ठीक फ्रेंड्स। बस वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिए आप, कनेक्शन मैं आपको दोबारा बताऊंगा एक बार और, ठीक। देखिए, ये रेड वायर लेकर वायर हमने तीनों से कनेक्ट कर दिया, ब्लैक वाले को इन स्विच से कनेक्ट कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारे तीन पॉइंट बचे, तीन पॉइंट में हमने क्या करा, ये रेड वाला वायर लिया, इससे कनेक्ट किया, ये फेस है हमारा, ठीक। इससे लूप करके और हमने सेकेंड वाले स्विच में दे दिया, बीच वाले पॉइंट पर, ठीक। और जो पहले वाला स्विच है उसका फर्स्ट वाले स्विच का एक वायर कनेक्ट करके हमने होल्डर में दिया, और ब्लैक वाले से हमने न्यूट्रल दिया, ठीक है फ्रेंड्स। यह हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम बल्ब लगाते हैं, ठीक। बल्ब लगाने के बाद इसको हम अब सीधा करेंगे और एक्सटेंशन बोर्ड से इसको पावर देंगे और चेक करेंगे कि हमारे कनेक्शन सही हुए या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। अब चेक करते हैं इसको, देखिए फ्रेंड्स। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। मेरी वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स,
कोई भी अगर प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो वॉचिंग के लिए।